गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नु मेरे मगर तू की करदी। सो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केदार घाटी की इन खूबसूरत वादियों में। होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। तो काफी टाइम बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आजकल ब्लॉग नहीं बनते हैं, थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम है कुछ। और आज आप लोगों के लिए एक शादी का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और आज है मेहंदी, हम आ रखे हैं कहीं दूर उखीमठ से 3-4 किलोमीटर ऊपर एक गाँव है पैंज गाँव, वहाँ आ रखे हैं। यहाँ है मामी का घर, जो हमारे मामी है उनका घर, उनके भाई की शादी है, तो वहाँ आ रखे हम। और अभी हम यहाँ घूमने आ रखे, देख सकते हो दोस्तों यहाँ की लोकेशन आपको दिखाते हैं। और आज के ब्लॉग में हमारे साथ है ये मामी की भाई का लड़की, ये दोनों, और इस आंचल को तो पहचानते हो गए, एक आंचल और इसी, ये भी बहन है इस भाई, और एक है चिंटू, ये तो दिखेगा भी नहीं। और दोस्तों आज के ब्लॉग पर बने रहे और देखे ये पहाड़ी ब्लॉग और पहाड़ी शादी। और वीडियो को पूरा वॉच करना, आज मेहंदी का ब्लॉग आप लोगों को बनाएंगे आज मेहंदी का ब्लॉग। तो अभी देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं आपको, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है यहाँ। और अभी देख सकते हैं, अभी हम घूमने आ रहे थे। तो आगे पे एक दुकान है, दुकान में जा रहे हैं, सब देखते हैं। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप, वाओ। तो दोस्तों अभी हम घूम के मतलब आगे जा रहे हैं दुकान पे, दुकान से आकर अब जाएंगे हम ऊपर जहाँ शादी हो रही है। तो अभी वहाँ फंक्शन मतलब कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में पहुंचेंगे तो ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी देखने को मिलेगा आज के ब्लॉग में, आज आपको मेहंदी ब्लॉग दिखाएंगे यहाँ का। और चलो, अरे यहाँ कुछ बोलना चाहते हो आप? यहाँ से अभी देख सकते हैं यहाँ धूप, मतलब यहाँ की धूप बहुत देर तक रहती है, मतलब 6 बजे तक। अभी देख सकते हैं पूरी धूप है। अभी हम ना सड़क से ऊपर आ गए हैं, अब यहाँ से जाएंगे जहाँ हम शादी में आ रखे हैं। और यहाँ के मकान देख सकते हो आप, क्या भयंकर। और एक मकान यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने का, कितना बेस्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ से कुछ इतने से मकान, वाओ। अच्छा, ये यहाँ पे एक नारंगी का पेड़, वाओ, देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे हमारे दादी जी, प्रणाम दादी, प्रणाम दादी। तुम क्या काका छिन, क्या काका छिन, कूड़ो तुम्हारा जी। अच्छा, ये देख सकते हैं दादी जी ने कैसे पहन रखा, ये क्या बोलते इसको दादी, ये तो क्या बोल रहा। अच्छा, लवा। तो देख सकते हैं पुराना पहनावा कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ पे दादी जी का मकान, कितना बेस्ट मकान, देख सकते हैं कितना अच्छा मकान है, पुराने जमाने का, बिल्कुल जंगला टाइप का, कुछ इस तरह से। चाणा छिन तुम कुछ बोला दो, आप गाता कचा लोला छिन दादी तुम। अच्छा, तो यहाँ पे दादी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नारंगी का पेड़, और तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ठीक है दादी जी। तो इस तरह रहता है पुराने जमाने के मकान, आप देख सकते हैं। और ये पुराने जमाने का है, हाँ, गुप्त काशी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं नारंगी का पेड़, इस पे देख सकते हैं नारंगी है भयंकर। तो अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, बाय। तो अभी हम शॉर्टकट से आए ना इस टाइम, हम जल्दी पहुंच गए इस टाइम। आंचल बेटा, यहाँ पे लैकी देख सकते हैं, कितनी लैकी आए भाई, लैकी लौकी, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भयंकर मकान ना, यहाँ बहुत अच्छे है, यूनिक, बिल्कुल बहुत भयंकर। और फर्स्ट बार आ रहे हैं हम इस गांव में, और देख सकते हैं पूरे गांव घूम गए। सो गाइस, अब मिलते हैं आपको सीधा मेहंदी में, और मेहंदी वाला ब्लॉग आपको दिखाते हैं। आपको कुछ कहना है? क्या कहना, थकान लग गई है। ये देख सकते हैं भांग, चाहिए भांग है। तो हाँ, तो दोस्तों अब आपको सीधा मिलते हैं शादी में, और दिखाते हैं आपको पहाड़ी मेहंदी। चलो तब तक, ओके बाय बाय। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे डांस। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेहंदी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से सजाया जाता है घर को, तो आप देख सकते हैं।
और बने रहे आज के ब्लॉग में और देखिए ये पहाड़ी मेहंदी किस तरह से रहते हैं और कैसे हमारी ये मेहंदी रात रहती है आज की। तो ब्लॉग में बने रहे और देखिए ये पहाड़ी शादी। दोस्तों पहले यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, जो भी मेहमान आ रहे हैं इनके मतलब घरिया मेहमान तो सब खाना खा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से खाना खिलाया जाता है रात को। तो बने रहे ब्लॉग पे और देखिए ये ब्लॉग। मस्त लग रहा है, सबसे ज्यादा खाने वाले पेट सो गाइस ये आज के हमारे मेहमान हैं राणा प्रा चौहान प्रा और अभी हम इस कमरे में हैं और यहाँ मस्त गर्मी गर्मी हो रही है। सही है, छोटा मेन चीज यहाँ पे देख सकते हैं ये लिख रहे हैं यहाँ पे न्योता और इस तरह से न्योता लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो कि शादी में हर जगह होता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। तो इस तरह से मेहंदी लगाई जाती है मतलब गांव की लड़कियाँ या परिवार की लड़कियाँ तो इस तरह से लगाई जाती है। और आज का ब्लॉग बस यही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शादी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय विद अ वॉच।